हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तरुणाचल बर्ड्स में। अगर आपने हमारा चैनल तरुणाचल बर्ड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तरुणाचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये बच्चों का सेटअप है हमारे बजीज़ का, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक हैं। ये देखिए किस तरह से केज के अंदर ये घुस जा रहे हैं अपनी बजीज के लिए मटकी लगाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये देखिए, इन्होंने एक नया केज बनाया है जिसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको दिखा दूंगा। सही है, परफेक्ट है। अगर डेमो के लिए बनाना है तो परफेक्ट केज है घर के लिए। दो से चार चार पेयर बजीज, पाँच छः पेयर बजीज आराम से ब्रीड कर लेगी इसमें और आराम से रह भी लेगी। ये देखिए, इन्होंने उल्टा कब्जा भी लगा दिया मटकी वगैरह लटकाने के लिए, मतलब मजबूती का पूरा ध्यान दिया है। पीछे बैक साइड में इन्होंने मॉस्किटो नेट लगाई है, फ्रंट में बर्फी वाली जाली लगाई है, और डोर की ओपनिंग भी बड़ी रखी है। इससे यह है कि जब भी कोई मटकी वगैरह लगाने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, उसमें भी अपडेट्स हमारे आते रहते हैं। नीचे और ऊपर इन्होंने वुडन लगाया है, इससे किसी प्रकार का कोई हीटअप वगैरह नहीं होगा। और ये इंडोर में केज बनाया है इन्होंने, अगर आउटडोर बनाते हैं तो इसके ऊपर इन्हें टीन वगैरह लगानी पड़ेगी। ये देखिए 42 इंच, बराबर 3.5 फीट इन्होंने इसकी लंबाई रखी है। एक एक मेज़रमेंट मैं आपको चेक करा दूंगा। ये देखिए 42 इंच लगभग 36 6 42, मतलब 3.5 फीट, और तकरीबन ये देखिए 1 फीट मतलब 14 इंच, मतलब 1.25 फीट के करीब इन्होंने इसकी चौड़ाई रखी है। और जो इसकी ऊँचाई रखी है वो इन्होंने रखी है 31 से 32 इंच, मतलब 3 फीट में तीन फीट में पूरा 3-4 इंच कम। और दरवाज़ा भी इन्होंने 14-14 इंच का रखा है, पूरा स्क्वायर बनाया है। उसमें देखा ही होगा आपने बच्चे किस तरह से इसके अंदर घुस जा रहे हैं। और इन्होंने हमें बुलाया था अपना सेटअप विज़िट कराने के लिए, कि सबका एक ही वो रहता है कि भाई बजरी ब्रीड नहीं कर रही, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये जितने भी नए जो शौकीन वाले हैं, आपने अपने घर में बर्ड्स रख रखी है तो थोड़ा सा वेट करिए, और प्लस बर्ड्स को थोड़ा सा प्राइवेसी दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। बर्ड्स जब तक आपका बर्ड्स सेफ़ महसूस नहीं करेगा, बार बार आप ताका जागी करेंगे मटकी वगैरह में, ये इसमें उसमें, कभी भी वो ब्रीड नहीं करेगा, डिस्टर्ब रहेगा। और उसका जो भी प्लेस है वो एक जगह फिक्स कर दीजिए, ऐसा नहीं है आज सुबह यहाँ रखा शाम को और कहीं, या फ्रिक्वेंटली उनकी आप उनकी पोजिशन चेंज कर रहे हैं। और प्लस ज़्यादा पकड़ा पकड़ा ही ना करिए उसके साथ, क्योंकि बर्ड्स जो ना डर जाता है, वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करता। जिस दिन से बर्ड्स आपका सेफ़ महसूस करने लगेगा उस दिन देखिएगा आपका बर्ड्स ब्रीड करना शुरू कर देगा, क्योंकि बजीज तो अमूमन 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने में ही ब्रीड करना शुरू कर देता है, बच्चे से लेकर अडल्ट में, अगर वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर रहा है तो। ये देखिए, अब ये दूसरे में लगाने जा रहे हैं, आप इनकी कारिस्तानी देखिए। इन्होंने एक केस से निकाला, उसमें घुस के, ये हैं अरसलान और इनके बड़े भाई नुमान, यही दोनों भाई लगे रहते हैं बर्ड्स को लेके, क्योंकि ये बड़ा वाला केज इन्होंने 3x3 का बनाया था, 3 फिट लंबा, 3 फिट ऊंचा और गहराई इन्होंने 2 फिट, तो इन्हें रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने एक डेमो के लिए दूसरा केज बनाया है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो इनको मैंने एक इंस्ट्रक्शन और दिया है कि आप अगर लॉकडाउन के बाद इन्हें कुछ बर्ड्स की, क्योंकि आजकल क्या है बर्ड्स मिल नहीं पा रही है, बर्ड्स मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने इनसे कहा है कि जो बड़ा वाला केज है इनका 3 फीट वाला, ये इधर जिससे ही शिफ्ट कर रहे हैं छोटे वाले केज में, इसको किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे बच्चे वगैरह की आवाजाही कम हो, क्योंकि इनके घर में इन्हीं बर्ड्स को देखने चक्कर में इतने बच्चे आ जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई बर्ड्स को परेशान करता रहता है। तो मैंने कहा एक तुम डेमो वाला जो छोटा वाला केज जिसके अंदर अभी मटकी लगा रहे हैं, ये आप नीचे ही रख लीजिए, आप डेमो केज हो जाएगा ये, और ये दूसरा केज ब्रीडिंग के लिए बना लेना बाद में फ्यूचर में अगर अच्छे बर्ड्स मिल जाते हैं। फिलहाल तो ये इस नए वाले केज में भी 2 मटकियाँ लगा दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास नर मादिन पूरी कंप्लीट है। और इन्हें मैंने जो भी मेडिसिन वगैरह वैमरल सिरप है, मैंने कहा इन सब चीज़ को रेगुलर बेसिस पे दो। डाइट चार्ट मैंने इनको पूरा बता दिया, एंटीबायोटिक का कोर्स इन्होंने करवा दिया है, एंटीबायोटिक मैंने बता दी थी इनको, इन्होंने 5 डेज़ का डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स करवा दिया है। अब ये 2 दिन वेट करने के बाद फिर 5 to 7 डेज़ का वैमरल का कोर्स कराएंगे, वो ये वैमरल सिरप ले आए हैं, मैंने बता दिया इनको, फिर देखते हैं क्या प्रोग्रेस आती है। और इनसे मैंने मना भी किया है कि आप मटकी देखिए मैंने बिल्कुल टॉप में लगवा रहा हूँ, जिससे बिल्कुल भी बच्चे कहीं से झाग झुक के बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें बर्ड्स को अपनी इनकी। तो इसी तरह का अगर आप भी एक पे पास भी छोटे छोटे केजेस हैं तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। ये देखिए आमिर थोड़ी इनकी हेल्प कर रहे हैं, ये आमिर के ही कज़न ब्रदर्स हैं,
उन्हीं का ही सेटअप है, ये भी हमारा चैनल है, रेगुलर व्यू करते हैं कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई एक बार आप देख लीजिए हमारी बर्ड्स, कभी 2-4 महीने हो गए लेकिन ब्रीड नहीं कर रही है। सबका बड़ा सबका एक ही मसला होता है। कई भाई लोग मेरे से फिर यूट्यूब में कहते हैं भाई अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, फिर वो व्हाट्सअप में वही करते हैं कि भाई आज हमारी बर्ड्स मटकी में जाना शुरू कर दी, एग ले नहीं कर रही है। तो उन सभी भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई थोड़ा सा सब्र कीजिए और अपने बर्ड्स को थोड़ा सा कम डिस्टर्ब कीजिए, अंडे वगैरह बार बार ना छुए ना देखें मटकी में झाँक के, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मादिन डिस्टर्ब होती है, एग्रेसिव होती है और कई बार वो छोड़ देती है मटकी में जाना, वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती, क्योंकि बार बार आप मटकी निकालते हैं देखते हैं उसके अंदर अंडे आए नहीं आए, तो बर्ड्स भी अनसेफ फील करती है, फिर वो उसके अंदर डर जाती है बाकायदा और मटकी के अंदर नहीं जाती है। अगर आपने हमारा चैनल तुरंचल बर्ड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बराबर में आएगा घंटा ज़रूर दबा दें। उससे हुआ ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपको आपके मोबाइल्स पे, आपके टैब में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, जहाँ भी आप व्यू करते हैं वो आ जाएगा। ये देखिए इन्होंने अब बर्ड्स छोटे से केज में निकाल लिया और इसके अंदर अब ये इसे फ्री कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप कसम खा लो कि अब नहीं शिफ्ट करनी है बर्ड्स कहीं भी आपको, आप जब बड़े केज में लाएंगे तो दूसरी बर्ड्स लाना वही डालना उनके अंदर। तो उन्होंने ये मेरी बात मानी भी है। मैंने कहा तभी ब्रीड करेगी, आप हर 2-4 दिन में कोई नया केज बना लेंगे चलो अच्छी बात है, शौक तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अगर आप ब्रीड कहेंगे तो ब्रीड आना मुश्किल हो जाएगी। तो इन सब चीज़ के ऊपर अगर आप भी के पास भी इस तरह से करते हैं, आप बार बार केज बदलते हैं, उनकी प्लेस चेंज करते हैं, तो प्लीज़ ना करिए अगर आपको ब्रीड लेनी है तो। और साथ में कोई ना कोई मल्टी विटामिन सीरप, वाइमरल या इसके अलावा जो भी है, A to Z आता है मार्केट में, और जब भी कोई मौसम चेंज हो तो एक बार एंटीबायोटिक का ज़रूर कोर्स कर दें, करा दें। उससे ही होगा ये कि आपकी बर्ड्स कभी बीमार नहीं पड़ेगी, हेल्दी रहेगी, और कोई ना कोई कैल्शियम ब्लॉक या फिर कैल्शियम सीरप सप्लीमेंट के तौर पर ज़रूर दें उनको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।